बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सेक्रेटरी इतलात हुआ करता था अहमद जवाद। अहमद जवाद अपनी पार्टी से तंग होकर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा और उसने मैदान में आकर खुलम खुला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चार्जशीट जारी की। उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुलम खुला बातें की, इल्जामात लगाए और कल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिजब इख्तलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से बात की। उनकी मुलाकात के दौरान एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। अहमद जवाद ने कहा कि वो लोग जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके खानदान को चोर और डाकू करप्ट कहते थे, पाकिस्तान और बरतानिया की अदालतों ने उनको पाक साफ करार दे दिया, उनके हक में फैसला दे दिया। और उन्होंने कहा कि ये न चोर हैं, न डाकू हैं और ना इन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो आपने हमसे इन्वेस्टिगेशन करवाई है या रिपोर्ट मांगी है, उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। अहमद जवाब ने कहा कि दूसरी जानब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। उन्होंने कहा जो लोगों को हर वक्त चोर डाकू कहते रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि ये बहुत बड़ी नाअहल और ये करप्ट हुकूमत है। उन्होंने कहा कि मैं सदके दिल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ हूं और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरक्की के लिए दिन रात काम करूंगा। उन्होंने अपने ट्विटर में भी ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान और बरतानिया की अदालतों ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को न सिर्फ क्लीन चिट दी बल्कि उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित होती हो कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये किसी भी सियासी पार्टी के लिए बहुत बड़े एडवांटेज की बात होती है कि उनके खिलाफ आप किसी गैर मुल्की बड़ी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करवाएं और वो इन्वेस्टिगेशन उस मुलजिम के हक में आ जाए और उसको क्लीन चिट दे दी जाए कि ये बिल्कुल सादिक और अमीन है, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। और वो जो इतनी बड़ी एजेंसियों से इन्वेस्टिगेशन करवा रहे होते हैं उनके लिए ये रिजल्ट बड़ा तकलीफ दे होता है। अहमद जवाद रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अंदर के बंदे हैं और वो बड़े लंबे अरसे तक उनके सेक्रेटरी इतलात रहे हैं। वो बहुत सारी बातें जानते हैं और उन्होंने कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कहा कि मुझे नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, मुझे पुराना पाकिस्तान लौटा दे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी। उनका दावा है कि शौकत खानम को उन्होंने बहुत बड़े चंदे दिए, तहरीक इंसाफ को उन्होंने भरपूर फंडिंग की और वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी हुकूमत बनकर आए जो गरीब की असली मैनों में हुकूमत हो, जो गरीब की बात करे, जो गुरबत को ख़त्म करे, बेरोजगारी को ख़त्म करे और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। लेकिन उसने कहा कि मेरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ बल्कि मेरा ख्वाब चकनाचूर हो गया। इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर जो बातें करते थे, जो दावे करते थे, जो वादे करते थे, जो ख्वाब दिखाते थे, उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया बल्कि उनके आने से पूरे मुल्क में करप्शन इस हद तक बढ़ गई कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कहना पड़ गया कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की पुलिस ये दोनों बड़े इदारे हैं जो इंसाफ और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, दोनों इदारे करप्शन की उस हद पे पहुंच गए, उस बुलंदी पे पहुंच गए कि उनको नंबर वन करार दिया गया। अहमद जवाद ने कहा कि अगर ऐसी हुकूमत हो तो फिर मेरा वहां पे रहना नहीं बनता। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, उन्होंने हुकूमत के इक्तदार को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं
गरीब लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर इक्तदार में आए और आकर गरीबों के लिए कुछ करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। डॉलर 100 रुपए से ऊपर नहीं गया था। अगर 100 रुपए से ऊपर जाता था तो यही इमरान खान साहब बहुत शोर वावेला मचाते थे और इसहाक डार साहब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। ना सिर्फ उन्होंने कंट्रोल किया बल्कि उन्होंने उसको एक ही जगह पर मुंजमद किया। इमरान खान साहब बहुत कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा करें, गरीबों के लिए कोई उनकी मदद करें, उनके लिए कोई रिलीफ का काम करें, लेकिन IMF ने पाकिस्तान को इस कदर जकड़ा हुआ है और पाकिस्तान ने IMF के और स्टेट बैंक के हक में ऐसे कवानीन पास कर दिए हैं कि उसको अब पाकिस्तान की हकूमत भी नहीं पूछ सकते, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की हकूमत को जो कहना है हमने वो करना है। तो ये रोजाना की बुनियाद पर जो बढ़ती हुई महंगाई है ये IMF के कर्जे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने बहुत सारे कर्जे उतार दिए हैं और अभी बहुत सारे बाकी हैं, और कर्जे उतारने की खातर कर्जे ले लेकर उन्होंने इतने कर्जे ले लिए जो पिछले बाकी तमाम हुकूमतों ने अपने 40 साल के दौरे हुकूमत में नहीं लिए। रिकॉर्ड कर्जे लिए गए और फिर उन पर सूद जो लग रहा है, तो पाकिस्तान कर्जे की दलदल में बिल्कुल डूब चुका है और उसका खमियाजा गरीब अवाम भुगत रही है। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल में, गैस में, बिजली में होने वाली महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। अब ये बात हुकूमत के बस में नहीं रही कि वो इसको कंट्रोल करे, महंगाई को खत्म करे और बेरोजगारी को खत्म किया जाए, बल्कि इमरान खान साहब जो वादे और दावे करते थे कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, रोजाना की बुनियाद पर कई महकमों के कई मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है। मदर एंड चाइल्ड केयर के हिफाजत करने वाले अहलकार मुलाजमीन को भी, जो कि हजारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है, उनको भी अब नौकरी से फारग किया जा रहा है। तो ये कैसा नया पाकिस्तान है, ये कैसी रियासत मदीना है जो वादे तो करती थी कि गुर्बत खत्म करेंगे, नई नौकरियां और गरीबों को घर देंगे, अब बल्कि अब तो गरीबों घर खुद घर में नहीं रहना चाहते। गुर्बत के मारे लोग खुदकशियां कर रहे हैं। हर जगह पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है। लोग अफरा तफरी में हैं। इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि आपने कंटेनर पर खड़े होकर उस वक्त बिजली के बिल फाड़ दिए थे जब उनमें बिजली के बिलों में थोड़ा सा इजाफा हुआ था। आज आप देखें, आपको एहसास होना चाहिए, आप गरीबों के दिलों के साथ धड़कते हैं, आप गरीबों के साथ रहना पसंद करते हैं, आप गरीब की बात करना पसंद करते हैं। आपकी हर तकरीर में, हर स्पीच में हमें गरीब के लिए दर्द दिखाई देता है, लेकिन वो दर्द कहीं महसूस नहीं होता। आपको सही मानों में गरीबों के लिए काम करना होगा। गरीब के हक में कोई ना कोई ऐसा तो काम करें कि गरीब की गुर्बत में कुछ तो कमी आए। 500 रुपए दिहाड़ी पर जो मजदूर सारा दिन काम करता है और शाम को 500 रुपए लेकर वो 1 किलो घी लेता है और उसके घर का बाकी राशन नहीं होता, उसके घर में क्या गुजरती होगी, कभी सोचिएगा। नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।